नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूनिया में भागवत प्रेमी ईश्वर रघुवंशी, शिवम रघुवंशी एवं श्रीमती शारदाबाई रघुवंशी एवं समस्त रघुवंशी परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं व्यापक रूप से विशाल शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य कथावाचक पूज्य पंडित संत श्री श्री 1008 संत कमलेश मुरारी जी, अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म प्रवक्ता महामंडलेश्वर मां नर्मदा पीठाधीश्वर अखंड धाम नर्मदा तट मांगरोल के मुखारविंद से ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक और विशाल व्यापक रूप से चला। आसपास के सभी क्षेत्र से भारी संख्या में पधारे भक्तजन और श्रद्धालुगण भागवत कथा का रसपान किया। कथा के तीसरे दिन कृष्ण जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। चौथे दिन मटकी फोड़ दही का प्रसाद वितरण किया गया। सातवें दिन संध्याकाल महाआरती में भारी जनसमूह और अधिक संख्या में पधारे भक्तजन और आरती बहुत ही धूमधाम से हुई। उसके पश्चात अंतिम दिन यज्ञ हवन पूजा पाठ और विशाल भंडारे के साथ जवारे विसर्जन कर गुरुदेव महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संपूर्ण गांव में भ्रमण करने के पश्चात नदी में की गई जवारे विसर्जन। जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने मुख्य कथावाचक पूज्य पंडित संत श्री श्री 1008 संत कमलेश मुरारी जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे तो उनका क्या कहना था। कुछ लोगों के प्रश्न और उनके मन में ये डाउट्स था कि जब भी वो प्रवचन भागवत पंडाल में आते हैं, आपकी कथा सुनते हैं, तो उन्हें वहाँ एकदम सारी चीजें भूल जाते हैं, भागवतमय हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई संसार ही नहीं, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर में जाते हैं तो फिर वो उनको यहाँ की चीजें भूल जाते हैं और यहाँ पे उनकी चीजें लागू नहीं होती, वो भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए वो क्या करें? बिल्कुल, बार बार, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए हमारे गुरुजन संत कहते हैं कि ये जो सत्संग है ये हरदम होना चाहिए। सत्संग संतों का, महापुरुषों का, जो वेद और शास्त्रों के जानकार हैं, केवल जो व्यवसायिक पद्धति से कार्यक्रम आयोजन करते हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करता, उनका नाचना गाना काम अलग है, लेकिन जो सनातन संस्कृति की मर्यादा में बंध करके भागवत पुराण करते हैं, वह आयोजन सत्संग बार बार लोगों को जरूरी है। बार बार अगर करते रहेंगे तो घर में भी जाकर के भूलेंगे नहीं, उनको याद रहेगा, उनको स्मरण आएगा। जब भी वो गलत काम करेंगे, जब भी कोई ऐसी प्रतिक्रम आएगा तो वो बात उनको याद आएगी। लेकिन जब सत्संग साल दो साल में एक बार सत्संग मिला, अब सालों साल बेकार चला गया, बैठे घर में गंदे लोगों के बीच बैठे, गलत लोगों का साथ कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव, मैंने सुसंग का और कुसंग का दोनों का असर पड़ता है। कुसंग का जल्दी पड़ता है, सुसंग का कम पड़ता है, पर सुसंग अगर बार बार पड़े वो स्थायी हो जाता है। मैंने आपकी कथा में बीच में सुना था, मेरे मन में छोटा सा डाउट आया था। मैं छोटा हूँ, उम्र में बच्चा हूँ, इसलिए मेरे मन में डाउट था, वो भ्रम दूर करने के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ कि जैसे आपने बोला था कि मित्र से कपट, गुरु से चोरी, काहू निर्धन काहू कोढ़, तो उनको ये जो दंड है आज के समय में, मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई मित्र से दुश्मनी दोस्ती कर रहा है तो उनको तो निर्धन हो नहीं रहा, वो तो और अमीर होते जा रहा है, और किसी को कोढ़ की बात के वो तो और सक्सेस हो रहा है, तो उनको दंड कब और किस अवस्था और कितने दिन पश्चात मिलेगा? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी। कल भागवत के बड़े भव्य समारोह में विशाल जन समूह के बीच में मैंने स्वयं इस विषय को सुदामा चरित्र के माध्यम से रखा था कि उनकी जो परीक्षा है वो विपत्ति काल में होती है, और अगर ये चारों के चारों अपने धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।